बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। सूत्रों से यह बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। राजौरी सेक्टर में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, एक जेसीओ और 4 जवान शहीद। सूत्रों से यह बड़ी खबर है, आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन सेना चला रही है और पिछले दिनों किस तरह से टारगेट किलिंग की गई जम्मू कश्मीर में, यह भी आपने देखा। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज किया गया, चाहे वो ISIS हो या फिर TRF के आतंकी हो, इन्हें ढेर भी किया गया, इनके ठिकानों पर रेड भी की गई। लेकिन यह बड़ी खबर, एक JCO और 4 जवान शहीद, सूत्रों से यह बड़ी खबर है। इसकी पुष्टि होने सेना की ओर से अभी बाकी है। राजौरी सेक्टर की यह घटना बताई जा रही है, एक JCO और 4 जवान यहां पर शहीद हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन सेना जम्मू कश्मीर में चला रही है। हमने देखा किस तरीके से जो बड़े आतंकी संगठन थे उनके सरगना ढेर कर दिए गए, हथियारों के जो जखीरे उन तक पहुंच रहे थे वो बंद हो गए, AK-47 अब नहीं पहुंच पा रही, तो आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली थी। पिस्टल के जरिए हमले किए जा रहे थे, AK-47 की जगह पिस्टल ने ले ली और बड़े आतंकी हमलों की जगह टारगेट किलिंग ने ले ली। कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी और उसका असर आपने देखा, लगातार आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। मनीष शुक्ला और जानकारी के साथ। मनीष, राजौरी की घटना को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, वहां से अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि जो सूत्र कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही थी, घुसपैठ की कोशिश हो रही थी आतंकियों के ग्रुप की तरफ से, और वहां पर जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो सेना की जो ग्रिड है वो काफी एक्टिव थी और घात लगा करके जो आतंकी थे उन्होंने पेट्रोलिंग पार्टी जो वहां पर इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए तैनात थी उस पर अटैक किया है। हालांकि अभी सेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि एक JCO और सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, उनके शहीद होने की खबर आ रही है। थोड़ी देर में ही आर्मी इसको लेकर के अपना बयान देगी, ये हमें बताया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो लगातार कोशिश की जा रही है घुसपैठ की। हमने उरी में देखा कि पिछले दिनों एक बड़े लेवल पे घुसपैठ की, 6 आतंकियों को मारा गया था, एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा भी गया था। मनीष से एक बार फिर हम संपर्क करेंगे। बताया जा रहा है कि पीर पंजाल में आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, एक JCO और 4 जवान शहीद हुए हैं। मनीष एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गया। मनीष जी, हाँ बिल्कुल, तो लगातार ये बात कही जा रही है कि जो हमारे लॉन्चिंग पैड हैं PUK के एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो काफी भरे पड़े हैं आतंकियों से, बड़ी संख्या में आतंकी के जमावड़े होने की रिपोर्ट आ रही है। और लगातार जो खुफिया एजेंसी कह रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में माहौल खराब करने के लिए, आतंकी घटनाओं को बढ़ाने के लिए घुसपैठ की बड़ी कोशिश हो रही है। तो यहाँ पुंछ में भी शायद यही एक प्लानिंग थी कि घुसपैठ की जाए। हालांकि अभी कितनी वहाँ और जवान क्या इंजर्ड हुए हैं, क्या आतंकियों को मारा गया है, क्या आतंकी वहां से वापस भाग गए हैं, अभी इसको लेकर के पूरी जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये जो खबर है, जाहिर तौर पर ये सूत्र जरूर कह रहे हैं कि भारतीय सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। राजौरी सेक्टर में पीर पंजाल रेंज में ये काउंटर ऑपरेशन, आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही थी और इसी कार्रवाई में सेना के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। पीर पंजाल में आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही थी राजौरी सेक्टर में, और वहीं से खबर है कि जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। मनीष, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। प्रेजेंटिंग द न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।